तहसील सदर के हलका नंबर 65 के लेखपाल प्रवीण कुमार शाही द्वारा पैमाइश के नाम पर 16,000 का घूस लेते हुए स्ट्रिंग ऑपरेशन में कैमरे में कैद हुए, जिसके संबंध में जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने बताया कि शासन के निर्देश अनुसार जीरो टॉलरेंस करप्शन के मंशा के अनुरूप के नीति के अंतर्गत सभी नागरिकों को पारदर्शिता पूर्वक सेवा उपलब्ध करवाया जाए, जिसको देखते हुए पारदर्शिता पूर्वक सेवा देने के लिए जिला प्रशासन के द्वारा एक गोपनीय जाँच करवाया गया है, जिसमें एसडीएम सदर द्वारा लिकोए ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें तहसील सदर के हलका नंबर 65 तरकुलही के लेखपाल प्रवीण शाही द्वारा नागरिकों से पैमाइश के नाम पर 16,000 की घूस लेते हुए पाए गए, जिनके खिलाफ कैंट थाने में करप्शन अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा जो भी लोग नागरिकों को परेशान करते हैं व उनका शोषण करते हैं, उनके खिलाफ जांच कराकर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यह जांच आगे भी चलता रहेगा, जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसडीएम सदर कुलदीप मीणा और जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने कहा, जिलाधिकारी महोदय द्वारा चलाए जा रहे भ्रष्टाचार मुक्त कार्य पद्धति के अभियान के अंतर्गत एक डिकॉय ऑपरेशन चलाया गया था, जिसके अंदर हलका नंबर 65 तरकुलही पे तैनात हमारे लेखपाल प्रवीण शाही एक प्रकरण जो पैमाइश का प्रकरण था उसके अंदर 30,000 रुपये की उन्होंने मांग की थी और एक वीडियो हमने डिकॉय ऑपरेशन के तहत कैप्चर कराया है, जिसके अंदर 16,000 रुपये वो लेते हुए पाए गए हैं। तो इसी क्रम में नायब तहसीलदार नगर को मेरे द्वारा निर्देशित किया गया है SHO कैंट के पास जाके अभियोग पंजीकृत कराकर सुसंगत धाराओं में इनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। ये लगातार चलती रहेगी जब तक कि हमारा, जैसे कि सभी को मालूम है, जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स करप्शन की नीति पे हम लोग काम कर रहे हैं और जब तक एक भी आदमी इस तरीके से लेना बंद नहीं कर देता तब तक हम कार्रवाई करते रहेंगे। जैसे आप जानते हैं कि माननीय शासन के मंशा अनुरूप जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन की नीति के अंतर्गत सभी सम्मानित नागरिकों को पारदर्शितापूर्वक सेवाएं उपलब्ध हों, इसी क्रम में सभी कार्यालयों को दुरुस्त करते हुए, पटलों को अद्यावधिक करते हुए पारदर्शितापूर्वक प्रशासन चलाने के लिए सेवाएं देने के लिए निर्देशित किया गया था और इसको परखने के लिए लगातार सभी कार्यालयों का निरीक्षण, अनुश्रवण, समीक्षाएँ होती रही हैं और लगातार चलती रहेंगी और उसमें गोपनीय जाँच रिकॉय ऑपरेशन भी हम लोग करा रहे हैं। इसी क्रम में तहसीलों का भी हम लोगों ने किया था और SDM जॉइंट मजिस्ट्रेट SDM सदर द्वारा डिकॉय ऑपरेशन कंडक्ट किया गया और उसमें लेखपाल प्रवीण शाही द्वारा पैमाइश के लिए उपभोक्ताओं से, लाभार्थियों से धन उगाही करते हुए स्टिंग ऑपरेशन में पाए गए हैं। उनके खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट IPC धाराओं में मुकदमा दर्ज करने के लिए निर्देशित किया गया है और उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी विधिक कार्रवाई की जाएगी और साथ ही साथ इस तरह जो भी मूलभूत सेवाओं में, हमारे राजस्व संबंधी सेवाओं में लोगों का शोषण करते हैं, परेशान करते हैं, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लगातार ये सिलसिला चलता रहेगा और इस तरह की गोपनीय जांच चलती रहेगी और उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाएगा और विधिक कार्रवाई की जाएगी।